What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from tradingfab.in. आज 9 दिसंबर 2019 मंडे है, सुबह के 8:19 हो रहे हैं। लास्ट वीक हमने देखा निफ्टी इंडेक्स में एक कंसोलिडेशन फेज था। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम आने के बाद निफ्टी में थोड़ी कमजोरी दिखाई दी और लास्ट फ्राइडे जो आरएसआई डाइवर्जेंस नेगेटिव डाइवर्जेंस हमने डेली चार्ट में देखे थे, जबकि प्राइस एक्शन हायर हाइज बना रहा था लेकिन आरएसआई में हमें लोअर हाइज देखने को मिल रहे थे, तो फ्राइडे एक बड़ा एक फॉल देखने को मिला करीब 100 पॉइंट्स का। तो अभी क्या निफ्टी यहाँ से करेक्ट होगा? अगर करेक्ट होता है तो किस लेवल के पास ये सपोर्ट टेस्ट कर सकता है? अगर और ऊपर जाना है तो कौन से लेवल को ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा तो हमें फिर से कंटिन्यू यहाँ से अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है, ये देखेंगे। और आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये एक पिक्चर है फ्राइडे का, यानी 6 दिसंबर का आफ्टर मार्केट आज से पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फ्राइडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,041 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,999। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी इंडेक्स एग्जैक्ट हमारे ब्रेकआउट लेवल के पास ओपन हुआ और टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मूव हुआ। ऑलमोस्ट इसने फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया था, हाई इसने 12,057 का लगाया, उसके बाद ये टूवर्ड्स साउथ की तरफ मूव हुआ और हमारा ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट 11,984 ये अचीव हुआ और सेकेंड टारगेट 11,966 ये भी यहाँ पर एग्जैक्ट अचीव हुआ। और ये लेवल भी ब्रेक होने के बाद ये टूवर्ड्स और भी साउथ की तरफ मूव हुआ। तो फ्राइडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 22 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 16,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू, चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। फ्राइडे अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी, हरे निशान में बंद हुए थे। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो लंदन मार्केट, फ्रांस मार्केट, जर्मन मार्केट तीनों भी जबरदस्त तेजी के साथ बंद हुए। और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्केई जापानीज इंडेक्स और चाइना मार्केट और हांगकांग मार्केट भी इस वक्त हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी हल्की सी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है और एसजीएक्स निफ्टी भी हल्की सी कमजोरी यहाँ पर दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से तो अभी फिलहाल पॉजिटिव संकेत है। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट, हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स को ड्रॉ किया था। तो 100% का ये जो लेवल है 12,114 इसके ऊपर ये क्लोज नहीं हो पा रहा था, इसी के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया है और फिर से टुवर्ड साउथ की तरफ एक छोटा करेक्शन दिखा रहा है। तो अभी लास्ट 3 वीक्स जहाँ पर इसने 11,872 के पास यहाँ पर एक सपोर्ट टेस्ट किया था, इसके नीचे ये क्लोज नहीं हो पा रहा था। हो सकता है यहाँ पर एक सपोर्ट टेस्ट करे, अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है इस सपोर्ट को तो ये और भी टूवर्ड साउथ की तरफ मूव कर सकता है। ऊपर जाने के लिए इसे 12,114 के ऊपर इसे क्लोज देना पड़ेगा और एक डिसीजिव मूव आती है तो हमें अपसाइड रैली कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। अगर यहाँ से और करेक्शन गहराता है तो हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ कर सकते हैं, ये ऐसे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट 11,807 पे यहाँ से इसने बाउंस बैक दिखाया था। तो अगर ये 870 के लेवल को ब्रेक करता है तो 807 के पास यहाँ पर सपोर्ट है और फिर तुरंत नेक्स्ट सपोर्ट होगा 20 EMA के पास, यहाँ पर 38.2% का लेवल जा रहा है जो कि 11,590 के पास इस वक्त है। तो ये दो क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स है एज पर वीकली चार्ट, लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट से हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वीकली चार्ट का सिनेरियो, चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में हमने क्लियरली यहाँ पर प्राइस एक्शन में नेगेटिव डाइवर्जेंस देखे थे वर्सेस आरएसआई, ये देखिए यहाँ पर हायर हाई बना रहा है, तो आरएसआई भी यहाँ पर हायर हाई बना रहा है। लेकिन जब प्राइस एक्शन में ये नेक्स्ट हायर हाई बन रहे थे तभी आरएसआई यहाँ पर लोअर हाईज बना रहा था, तो ये क्लियरली नेगेटिव डाइवर्जेंस है। तो उसके मुताबिक प्राइस एक्शन में भी हमें एक फॉल देखने को मिल रहा है, जैसे आरएसआई में यहाँ से एक फॉल आया था वैसे ही अभी प्राइस एक्शन में देखने को मिल रहा है। अभी लास्ट फ्राइडे यहाँ पर इसने 20 EMA का ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक कर दिया है। 2 दिन पहले इसने एक सपोर्ट लेके छोटा बाउंस बैक दिखाया था, लेकिन अभी ये जो
अप ट्रेंड का ये होता है, हायर आई हायर लोस का पैटर्न लाइन चार्ट में। अभी ये देखिए, ये डाउन ट्रेंड का बता रहा है, तो यहाँ से जब भी डाउन ट्रेंड का ऐसा पैटर्न चलता है तभी लोअर हाइज लोअर लो क्रिएट होते हैं। तो अभी नेक्स्ट अगर ये फिर से इसके नीचे अगर क्लोज होता है, 20 EMA के नीचे आज भी क्लोज होता है, तो ये 50 EMA यानी 11,764 तक यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट करता है। अगर ये आज के लेवल को ब्रेक, आज के लो को ब्रेक करके, फ्राइडे के लो को ब्रेक करके नीचे क्लोज होता है, तो 50 EMA तक निफ्टी इंडेक्स हमें पहुँचता हुआ दिखाई दे सकता है। 20 EMA के ऊपर अगर कोशिश करता है, क्लोज होता है आज के दिन, तो चांसेस है फिर से यहाँ से अपसाइड रैली हमें देखने को मिले। तो ये है डेली और वीकली चार्ट का सिनारियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, आज के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकती है वो आइडेंटिफाई करेंगे। ये है 60 मिनट का चार्ट। लास्ट डे का अगर लो ब्रेक करता है यानी 11,888 के नीचे ये अगर सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,873, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 11,854 जो कि पिवट पॉइंट का S1 का लेवल है। और अगर ये टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है, तो ये जो दो जी कैंडल स्टिक यहाँ पर बने हैं लास्ट हाफ एन आवर में, तो यहाँ पर 11,938 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, जहाँ पर इसने ये देखिए प्रीवियस दो दिन पहले यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिखाया था, तो अगर ये लेवल अभी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, तो ये लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा एक क्विकली टारगेट होगा पिवट पॉइंट का लेवल जो कि 11,955 है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा यहाँ पर 11,970, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।